हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोगों ने लॉगरिथम के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था और ये इसका लेक्चर नंबर 3 होगा। शुरुआती दो लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके जो बेसिक कुछ रिजल्ट्स देखे हैं और इस पे जो एक्सरसाइज 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप उन प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के लिए उस लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये पहले मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जो सेंड कर देता हूँ, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस पहले से कर लें और जो सोल्यूशन आपको समझ में ना आए उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं और मेरे सोल्यूशन से मैच करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको कोर्सेज जो है संबंधित कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारा ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग अंडर रूट 3 होल टू द पावर -4 प्लस ट्वाइस लॉग एक्स बेस रूट 5 इज इक्वल टू व्हाट 1/9। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो गया हमारे पास रूट थ्री को हम लोग लिखेंगे 3 की पावर 1/2 और उसके ऊपर कितना लगा हुआ -4 प्लस कितना लगा हुआ ट्वाइस लॉग एक्स, ठीक है, ट्वाइस लॉग एक्स और इसका जो बेस है वो कितना है √5 है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ 1/9, 1/9 को मैं लिखूंगा 3 की पावर -2, ठीक है। ऐसा करने के पीछे रिवीजन ये रहा होगा कि दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों तरफ बेस कितना है 3 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पावर मिला 3 के ऊपर, पावर कितना मिला -4 प्लस ट्वाइस लॉग एक्स बेस √5 और डिवाइडेड बाई कितना मिला, डिवाइडेड बाई मिला हमको 2, ठीक है ना। ये जो 1/2 इसकी वजह से नीचे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर हमें कितना मिला -2। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाएगा -4 प्लस 2 लॉग एक्स बेस √5 इज इक्वल टू ये कितना हो गया -4, ठीक है। तो -4 -4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमको अगले स्टेप में क्या मिलेगा, ट्वाइस लॉग एक्स और बेस कितना मिलेगा √5 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा, लॉग एक्स बेस √5 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दें तो √5 की पावर कितना लगाना पड़ेगा 0, तो आंसर हमारा कितना आएगा एक्स आएगा। इस तरीके से जो हमारे एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस कितना 9/4 ब्रैकेट में लिखा 1/2√3 फिर से अंडर रूट 6 -1/2√3 फिर से अंडर रूट 6 -1/2√3 अंडर रूट फिर से 6 -1/2√3 ये क्रम इंफिनिटी तक चलेगा, तो पूछा जरा आपसे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां से आप पढ़ना शुरू करिए, 1/2√3 से पढ़ना शुरू करिए। 1/2√3 लगा हुआ है, फिर अंडर रूट लगा हुआ, फिर से 6 लगा हुआ और माइनस, फिर से वही वही चीज देखो वापस आ जाएगी 1/2√3, √6 -1/√3। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि एक्स इज इक्वल टू, मैं सिर्फ यहाँ की बात, इतना जो ब्रैकेट में लिखा हुआ मैं इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है हम लोग, ठीक है। तो कितना लिखा हुआ एक्स इज इक्वल टू 1/2√3 और अंडर रूट में क्या लिखा हुआ 6 माइनस। अब फिर से अगर आप देखेंगे तो ये 1/2√3 ये जो चीज हमारा ये सिर्फ ये फिर से कितने के बराबर है, ये x के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप x, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, एक टर्म को अगर हम कम कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनफाइनाइट टर्म से अगर एक टर्म्स को कम कर दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकाल लें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमने पूरे को एक्स माना था, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ इसको अगर हमने एक्स माना था तो एक्स इज इक्वल टू 1/2√3 फिर √6 माइनस और उसके आगे की चीज फिर से किस कैसा दिखेगा आपको, एक्स जैसा दिखेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 और ये कितना हो जाएगा 6 - x हो जाएगा। तो यहां से हमें कितना मिलेगा 12x² इज इक्वल टू 6 - x मतलब 12x², ठीक है, और प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर कर देते हैं 12x² प्लस 9x और -8x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x हम लोग कॉमन कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 4x + 3 और इसमें से -2 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4x + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी हमको 2/3
और x की एक वैल्यू मिलेगी -3/4। तो -3/4 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये जो चीजें है ना ये अंडर रूट से निकल के आ रहा है, तो ये चीज पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा होगी, ठीक है ना। ये क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब x की पॉसिबल वैल्यू कितनी 2/3 है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लॉग ऑफ 9/4 और ब्रैकेट वाली पूरी चीज सॉल्व होकर कितनी आ गई 2/3 आ गई, ठीक है। ये कितनी आ गई 2/3, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ इसको हम लोग लिख देते हैं पहले 9/4 और इसको हम लोग लिख देते हैं 3/2 का इनवर्स, 3/2 का क्या लिख देते हैं इनवर्स लिख देते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्योंकि बेस हमारा 9/4 है तो उस नंबर को भी हम 9/4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 9/4 अगर लगाएं तो हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा, 3/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट 9/4 लिखेंगे तभी 3/2 आएगा, मतलब 9/4 की पावर कितना 1/2, मतलब कुल मिला कितना हो गया -1/2, तो -1/2 आगे आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, -1/2 आगे आ गया, यहाँ कितना हो गया लॉग ऑफ 9/4 और बेस कितना 9/4। किसी भी नंबर का लॉग सेम बेस पे कितना होता है 1 होता है, मतलब हम प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1, और इसके पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई लॉग ऑफ एन एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई, तो ये इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया -1/2 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है लॉग ऑफ बेस कितना है 2, ब्रैकेट में लिखा है 2, फिर लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ 9, ठीक है, फिर कितना लिखा हुआ -2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ 12, फिर क्यूब रूट ऑफ कितना लिखा हुआ 3 प्लस कितना लिखा हुआ 4 प्लस कितना लिखा हुआ 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 9, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग एक एक चीज को जरा सिंप्लीफाई करें, देखिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये कितना लिखा हुआ 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 9 है ना, 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 9, 2 को अगर हम भीतर भेजना चाहें तो क्यूब रूट ऑफ 9 भीतर जाएगा, कितनी बार 2 मल्टीप्लाई होगा 3 बार मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 9 × 8 = 72, मतलब ये 72 की पावर कितना हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो कितना हो गया लॉग ऑफ, ये बन गया 72 की पावर कितना हो गया 1/3 माइनस 2, हमारे पास 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कितना हो गया ये, हम इसको अगर 2 को हम लोग लिखना चाहें तो 8 की पावर क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है, 8 की पावर 1/3, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में अगर हम लोग देखें तो देखिए हम लोग एक्चुअली में देखिए एक किस तरीके का इस एक नंबर जो थोड़ा सा अरेंज करके लिखा गया है ना, ये कैसे लिखा गया है, जैसे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास कितना होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए इतने टर्म इसमें अरेंज किए गए हैं, है ना, यहाँ देखिए ए माइनस बी लिखा हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ, बस इसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये हमारा बन गया ए माइनस बी। अब देखिए जो अगला नंबर है ये 12 3 की पावर 1/3, निश्चित रूप से ये कितना है 72 की पावर कितना है 2/3 है, 72 की पावर कितना है 2/3 है, कैसे, आइए मैं करके आपको दिखा देता हूं। 72 की पावर 2/3 को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, 72 क्या लिखो 9 × 8 = 72, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब और होल टू द पावर कितना है 2/3, ठीक है ना। तो ये 2 कट जाएगा, मतलब 4 बाहर आ जाएगा और इंटू 3 की पावर कितना बचेगा 4/3 बचेगा, और इसको सॉल्व करें 4 × 3 × कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/3 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के कितना आ जाएगा 12 3/3 बन जाएगा। देखिए 12 3/3 हमारे पास है, तो 12 3/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 72 की पावर 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस आगे हम बात करें, अगर प्लस बी स्क्वायर तो निश्चित रूप से इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 64 की पावर कितना लिख पाएंगे 2/3 लिख पाएंगे। 64 की पावर 2/3 को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 64 की पावर 2/3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 4 का क्यूब, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 4 का क्यूब और होल टू द पावर कितना 2/3, ये कट जाएगा 4 × 4 = 16, 4 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा हमको, ठीक है। एक मिनट, इसको हम लोग क्या लिखने वाले थे, इसको हम लोग लिखने वाले थे 8 की पावर 2/3 लिखने वाले थे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमको 64 की पावर 2/3 ना लिखे बल्कि कितना लिखना है 60, इसको लिखना है 8 की पावर 2/3 हमें लिखना है, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 8 की पावर 2/3, क्योंकि देखिए यहाँ पे a माइनस बी बन चुका है,
अब इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 8 की पावर कितना हो गया, 2 बाई 3 हो गया, 8 की पावर 2 बाई 3 4 आएगा। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए, 8 की पावर 2 बाई 3 को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो इसको लिखेंगे 2 का क्यूब होल टू द पावर 2 बाई 3, 3 कट गया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ था उसको उन्होंने कितना लिख दिया, 8 की पावर 2 बाई 3। अब बात बच गई प्लस ए बी लिखना है, प्लस ए बी का मतलब कितना हो गया 72 की पावर 1 बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1 बाई 3 जो कि सॉल्व होकर हमारा कितना बन जाएगा 4 क्यूब रूट ऑफ 9 बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये बन गया लॉग ऑफ, ये बन गया ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, इसका मतलब 72 की पावर 1 बाई 3 और इसका क्या बनाना है, इसका बनाना क्यूब, ठीक है, ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब का मतलब 8 की पावर 1 बाई 3 और उसकी पावर कितना 3 बन गया, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो यहां से ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ 72 लॉग ऑफ 72 माइनस यहाँ से 3 कट जाएगा 8 और ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस कितना होगा 2 और 72 माइनस 8 कितना होगा 64, 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6 तो 6 आगे आ जाएगा हमारे पास लॉग m की पावर n वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 6 लॉग 2 बेस 2 तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि लॉग 5, ठीक है, लॉग 5 बेस 4 ये कितने बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है, और लॉग 6 बेस 5 ये कितने बराबर है, बी के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि लॉग 3 लॉग 2 बेस 3 लॉग 2 बेस 3 की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन ट्वाइस ए बी माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट है, ठीक है। तो चलिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको जरा सॉल्व करते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो 4 की पावर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और यहां से कितना हो जाएगा 5 की पावर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे जो प्रूव करना है उसका मैं एलएचएस ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि लेट लॉग 2 बेस 3 इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, तो यहां से 2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 की पावर x मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये 6 किसके बराबर है 5 की पावर b के बराबर है, 6 हमारा किसके बराबर है 5 की पावर b के बराबर है, ठीक है ना। और अगर आगे हम लोग बात करें 5 की पावर b की, अगर हम लोग बात करें यहां से अगर इक्वेशन नंबर 1 से 5 की पावर b निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 4 की पावर a b आ जाएगा, ठीक है ना, 4 की पावर a b आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें 6 हो गया, ठीक है, और 4 a b हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ x पावर रेज कर दें 6 की पावर x तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 ए बी इंटू कितना आ जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। या एक काम करते हैं पहले हम 2 की पावर चाहे तो कट कर सकते हैं, है ना, ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं, ठीक है, 4 ए बी इज इक्वल 4 ए बी की पावर x हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर ये कितना हो जाएगा ए बी एक्स बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 की पावर ए बी एक्स बाई 2 हो जाएगा। फिर ये जो 2 की पावर x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा दिस इज इक्वल टू 3 की पावर x, 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर कितना है ए बी एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 बाई x का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर, यहाँ से हम लोग x कॉमन कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा ए बी और कितना मिल जाएगा माइनस 2 और डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हमको मिल गई, 3 की पावर x की वैल्यू मिल गई, 3 की पावर x ये इतने के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखिए निकालना क्या, हमें निकालना है क्या निकालना, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, log 2 बेस 3 हमको निकालना है, ठीक है ना, log 2 बेस 3 हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें, अगर यहां से एक स्टेप अगर हम लोग इस तरीके से मूव करते तो मुझे लगा ज्यादा फायदा होता। देखिए एक स्टेप यहां से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, मुझे लग रहा है यहां से एक स्टेप ये करना ज्यादा फायदेमंद होगा ना, क्योंकि यहां से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा चीजें, है ना। यही से एक स्मार्ट मूव हम लोग ये कर सकते थे, क्या कर सकते हैं जरा देखिए, यहां से हम लोग 6 है ना तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये हमारे पास कितना आ गया 4 की पावर ए बी, 4 की पावर ए बी का मतलब 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर कितना आ गया 2 ए बी आ गया,
यहाँ दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 ए बी और माइनस 1 आ जाएगा। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 ए बी माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 ए बी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बच गया, एक इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट यहां से हमारे पास क्या बचेगा, 3 की पावर एक्स कितने के बराबर, 2 के बराबर, है ना। तो दोनों तरफ एक्स पावर रेज कर देते हैं, 3 की पावर एक्स, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, दोनों तरफ एक्स पावर रेज कर दिया, मतलब ट्वाइस ए बी माइनस 1। ठीक है, और 3 की पावर एक्स किसके बराबर है, यहां से देखिए इस इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर स्टार से देखिए, 3 की पावर एक्स की वैल्यू कितने बराबर, 2 के बराबर है। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 की पावर एक्स, और कितना मिल गया, ट्वाइस ए बी माइनस 1। ठीक है, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर को कंपेरिजन कर देते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक्स टाइम्स 2 ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगा, 1 अपॉन ट्वाइस ए बी माइनस 1। और यह हमने किसको सपोज किया था, यहाँ पे देखिए यह हमने सपोज किया था लॉग 3, लॉग 2 बेस 3, तो लॉग 2 बेस 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन ट्वाइस ए बी माइनस 1 आ गया। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ बेस कितना है 2, फिर से लॉग ऑफ बेस कितना है 2, और फिर से कितना है लॉग ऑफ एक्स बेस कितना है 3। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर ये और दूसरा, ये पहले हम लोग सॉल्व कर लेते, ये कितने के बराबर है, ये 0 के बराबर है ना, ये गिवन है 0 के बराबर है। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करने का तरीका, ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, इसको एक क्वांटिटी मान लेंगे, जो ये मैंने अंडरलाइन किया, इसको एक क्वांटिटी मान लेंगे, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो बेस कितना लग गया देखिए 2, और इसके ऊपर पावर कितना लगाना है 0, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा, लॉग 2, और यहाँ पे लॉग एक्स, और बेस कितना बचेगा 3। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर से देखिए इसको एक क्वांटिटी मान लें और फिर से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें, तो बेस कितना हो जाएगा 2, उसके ऊपर पावर कितना लगेगा 1, और यहाँ पे हमको कितना मिलेगा लॉग एक्स, और बेस कितना मिलेगा 3। फिर से इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे हमको दिया हुआ लॉग बेस कितना है 2, फिर से लॉग बेस कितना 3, फिर से लॉग और कितना वाई, और बेस कितना 2 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये जो अंडरलाइन मैंने किया इसको एक क्वांटिटी मान लेते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म लिखते हैं, बेस कितना हो गया 2, उसके ऊपर पावर कितना लगेगा 0, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जिसको अंडरलाइन मैंने किया हुआ वो आंसर आ जाएगा, मतलब तो लॉग 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग वाई, और बेस कितना हो जाएगा 2। 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग वाई, और बेस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से फिर से 2 का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, एक्स माइनस वाई निकालना है, यहाँ से एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि लॉग ऑफ 175, ठीक है, और कितना इन 5x, लॉग ऑफ 5x बेस कितना 175 इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू क्या दिखा हुआ है, लॉग ऑफ और 7x और बेस कितना 343। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों बराबर हैं, और दोनों मैं मान लेता हूं किसके बराबर है, k के बराबर है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट और ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 175 की पावर क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, 7x इज इक्वल टू 343 की पावर क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से कितना मिल जाएगा 5/7, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 175 अपॉन 343, और होल टू द पावर कितना मिल जाएगा, के मिल जाएगा। अगर हम इसको 7 से काट दें तो कितना हो जाएगा 25, और 7 से काट दें कितना हो गया 49। ठीक है, अगले स्टेप में अगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें तो लेफ्ट में 5/7, और 25/49 को मैं लिख दूंगा 5/7 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ऊपर कितना हो गया 2k हो गया। अब देखिए बेस सेम हो गया, पावर को कंपेरिजन कर सकते हैं, तो यहाँ से 2k इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1, तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2 मिल जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 1/2। अब देखिए हमको k की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, पहले ये जो k माना था मैंने, यहाँ पे स्टार डाल देते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 175, और यहाँ लॉग ऑफ 5x 175 इज इक्वल टू k, कितना अभी आपने निकाला 1/2, तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू कितना जाएगा, अंडर रूट 175 की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट 175,
175 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू कितना लिख सकते हैं, 7, मतलब कितना मिल जाएगा, 5 अंडर रूट 7। किसकी वैल्यू आ गई, 5x की। यहाँ से 5 5 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7 आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है लॉग ऑफ 42 और x की पावर 4 -2x² और +7। यहाँ पे x इक्वल टू √7 अगर हम लोग लिखें तो ये मिल जाएगा लॉग ऑफ 42, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। x इक्वल टू √7 मिलेंगे तो 42 हो जाएगा, लॉग 42 बेस 42 का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप जो आपका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है या एक्सरसाइज नंबर 2 चल रहा है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर से, थोड़ा सा प्रीवियस जो आपका लेसन था या एक्सरसाइज थी उससे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़िया है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लेवल को इंक्रीज भी करते रहेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि लॉग ए बेस 4 इज इक्वल टू लॉग बी बेस 6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी, और बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 9। तो ये किसकी वैल्यू निकालनी, बी बाई ए की वैल्यू हमको निकालनी है। मैं मान लेता हूँ दिस इज इक्वल टू के। तो पहले अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 की पावर k। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू 6 की पावर k। और ये तीसरे को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 की पावर k। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, ए प्लस बी में, तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर k प्लस 6 की पावर k इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 की पावर k। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2k, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2k। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, जो हमें वैल्यू निकालनी वो कितनी निकालनी, बी बाई ए निकालना हमें। ठीक है, तो बी बाई ए किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे ए कितना 4 की पावर k और बी कितना 6 की पावर k, मतलब ये कितना आ जाएगा, 6/4 की पावर कितना जगह k हो जाएगा। कट कर दें तो इसका मतलब 3/2 की पावर k की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 3/2 की पावर k की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन में दोनों तरफ मैं 2 की पावर 2k से डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ 2 की पावर 2k से डिवाइड कर देता हूँ। कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2k और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2k। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें 3/2 की पावर k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये तो 1 आ जाएगा, और 1 प्लस यहाँ से 2 की पावर k कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग 3/2 की पावर k को t मान लें, है ना, लेट 3/2 की पावर k इज इक्वल टू t, ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, t² = t + 1, मतलब t² - t - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b मतलब 1 +√b² - 4ac, -- कितना जाएगा, +4ac/2a। क्योंकि टी हमारा क्या एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3/2 की पावर k, इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू छोड़ दे तो 1 प्लस कितना आ गया, √5/2 आ गया। और टी की वैल्यू अगर देते हैं, टी कितने बराबर, 3/2 की पावर k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस √5/2 आ गया। और 3/2 की पावर k कितने के बराबर था, बी बाई ए के बराबर था ना, इसका मतलब बी बाई ए की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 1 प्लस √5/2 आ गई, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कार्ड जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 10 की पावर x + 10 की पावर -x = 4। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 की पावर x + 10 की पावर -x को हम लोग लिख देंगे 10 की पावर x, 1/10 की पावर x = 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 10 की पावर 2x और कितना मिलेगा, -4 × 10 की पावर x और +1 = 0। 10 की पावर x को अगर मैं t बोल दूं तो t² - 4t + 1 = कितना हो गया, 0। यहां से t की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, यहां से t इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें -b + √b² - 4ac/2a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 + -16 - 4 12 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 2√3/2, इसका मतलब कितना मिल जाएगा, 2 + √3। t हमने किसको बोला था, 10 की पावर x को, तो 10 की पावर x का एक सोल्यूशन हो गया 2 + √3 और 10 की पावर x का एक सोल्यूशन हो गया 2 - √3। क्योंकि मुझे x निकालना, दोनों तरफ log ले लेते हैं, x log 10, ठीक है, या दोनों तरफ log लेते हैं 10 बेस पे, log ऑफ 2 + √3 और बेस कितना 10, तो इधर कितना आ जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे भी log ऑफ 2 - √3
कितने बेस पे लिया, 10 बेस पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाता है। तो एक्स की दो दो वैल्यूज आ गई, हमारे दोनों आंसर हो गए। हमें एक्स ही निकालना था इस क्वेश्चन, तो एक्स का एक आंसर आ गया लॉग ऑफ 2 + √3 base 10, और दूसरा आंसर हमारा हो गया लॉग ऑफ 2 - √3 base 10। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है इफ लॉग एन बेस बी इज इक्वल टू 2, तो देखिए यहां से हमको क्या मिल जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन में दिया है कि लॉग ऑफ 2b base n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, तो यहां से एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके मुझे b की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहले इक्वेशन का स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और दूसरे इक्वेशन में रख दें वैल्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2b है। तो यहां से कितना मिल जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, पहले इक्वेशन से बी की पावर 4 मिल जाएगा। तो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें अगर, तो b की पावर 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 2b। दोनों तरफ b को कैंसिल कर दें तो b क्यूब इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2। तो यहां से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 की पावर 1/3। तो ये हमारा b की वैल्यू निकालना था, b की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 1/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लॉग एक्स बेस 2, ठीक है, लॉग एक्स बेस 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू लॉग वाई बेस 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू लॉग जेड बेस 2 डिवाइडेड बाई कितना, 3k। और मैं मान लेता हूं दिस इज इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो और साथ में इन्होंने कंडीशन और दिया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड बराबर 1, तो पूछ रहे k की वैल्यू क्या होगी। देखिए पहले इस इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें यहां से, तो ये हमें मिल जाएगा लॉग एक्स बेस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 2 की पावर 4 लैम्डा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इस सेकंड को सॉल्व करें तो यहां से हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 की पावर 6 लैम्डा। 2 की पावर कितना मिल जाएगा, 6 लैम्डा। और थर्ड वाले को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां से हमको कितना मिल जाएगा, z इज इक्वल टू 2 की पावर 3k लैम्डा मिल जाएगा, 3k लैम्डा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है x³y²z=1। x क्यूब करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 की पावर कितना मिल जाएगा, 12 लैम्डा। 2 की पावर 12 लैम्डा। ठीक है, और फिर y स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 12 लैम्डा, और z मल्टीप्लाई कर दें मतलब 2 की पावर 3k लैम्डा इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। तो यहां से ये मिल जाएगा 2 की पावर 12 लैम्डा मतलब कितना हो जाएगा, 24 लैम्डा। 12 लैम्डा + 12 लैम्डा + 3k लैम्डा इज इक्वल टू 2 की पावर 0। कंपेयर करते हैं अगर तो 24 लैम्डा + 3k लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, 0। लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा 3k = -24। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। और हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारी जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, k = हमारे पास कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड ऑफ रियल नंबर्स विच फॉर विच लॉग ऑफ, एक पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई और बेस कितना है 10 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, जेड दिया हुआ। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये मेरा पहला इक्वेशन दिया गया। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, लॉग ऑफ बेस कितना 10 और यहाँ पे कितना है x² + y² और इसकी वैल्यू कितनी, z+1। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर z + 1 इज इक्वल टू x² + y². ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन हमें ये दिया गया है कि x³ + y³, यहाँ पर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि x³ + y³ इज इक्वल टू a × 10 की पावर 3z + b × 10 की पावर 2z। तो आपको बताना है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a+b, तो a+b की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये x³ + y³ लिखा गया है, तो x³ + y³ निकाल मतलब इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में दिया गया x³ + y³, तो x³ + y³ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, x + y, दूसरे ब्रैकेट में क्या चाहिए, x² - xy + y²। ठीक है, क्या क्या मुझे मालूम है, क्या मुझे x + y मालूम है, हाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखिए x + y मालूम कितना, 10 की पावर z मालूम है। ठीक है, 10 की पावर z हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में x² + y² क्या मुझे मालूम है, हाँ मालूम है 10 की पावर z + 1, 10 की पावर z + 1। माइनस क्या मुझे xy मालूम है, फिलहाल मुझे xy नहीं मालूम है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मुझे xy सबसे पहले पता करना पड़ेगा।
उसके लिए देखिए मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा, उसके पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई कितना 10 की पावर जेड, इक्वेशन नंबर 1 से उसमें रख दें तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन से कितना है 10 की पावर जेड प्लस 1 है और प्लस 2 एक्स वाई। तो यहां से मेरे पास जो एक्स वाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 जेड माइनस 10 की पावर जेड प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू यहां पे हम लोग पुट करें अगर तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर जेड और ब्रैकेट में 10 की पावर जेड प्लस 1 और माइनस एक्स वाई, एक्स वाई कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 जेड और माइनस 10 की पावर जेड प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 10 की पावर जेड ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर जेड, है ना, 10 की पावर जेड प्लस 1 को 10 की पावर जेड इंटू 10 लिखेंगे तो 10 टू जा कितना होगा 20 हो गया। ठीक है, फिर माइनस 10 की पावर 2 जेड प्लस 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर जेड, है ना, 10 इंटू 10 की पावर जेड हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से, तो 20 10 की पावर जेड प्लस 10 तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 30 टाइम्स 10 की पावर जेड माइनस कितना होगा 10 की पावर 2 जेड और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 हो गया। तो 10 की पावर जेड को अगर हम लोग भीतर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा 15 इंटू 10 की पावर 2 जेड माइनस 1 बाई 2 इंटू 10 की पावर 3 जेड। ठीक है, अगर इस इक्वेशन यहाँ पे जो मुझे इक्वेशन नंबर 3 दिया गया है ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू दी गई और हम लोगों ने एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू निकाली। अब देखिए यहाँ पे दिया गया 10 की पावर 3 जेड का कोफिशियंट कितना है ए है, यहाँ पे देख लेते हैं 10 की पावर 3 जेड का कोफिशियंट कितना है माइनस 1 बाई 2 है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई माइनस 1 बाई 2 आ गया। यहाँ पर 10 की पावर 2 जेड का कोफिशियंट कितना बी है, यहाँ पर 10 की पावर 2 जेड का कोफिशियंट कितना 15 है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। मुझे निकालना था ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा ए की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 प्लस 15, तो 15 टू जा 30 माइनस 1 29 बाई 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको जो ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आए होंगे, और कैसे लगे आपको ये लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए क्योंकि वीडियो से व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। अगर आप व्यूज इसका जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, वीडियो से व्यूज आएंगे तो मुझे भी बिल्कुल बहुत खुशी होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।